go, I can take you there. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज हम आप लोग के लिए एक एंटिक बाइक लेके आए, लेजेंडरी बाइक यामाहा की तरफ से। सो ये देखो आप, ये कौन सा बाइक है आप सब पहचानता होगा, पुराना लोग 90s का लोग पहचानेगा ये क्या बाइक है। सो मैं बता देता हूँ, ये R15 B1 है, सबसे फर्स्ट जनरेशन है। सो इसमें आपका पेंट जॉब किया गया है, आप देख सकते हैं सामने से कुछ ऐसे साइड टाइप का पेंट जॉब किया गया है। ये कस्टम बिल्ड किया गया है, खुद से ओनर जो खुद से इसको पेंट किए। सो अच्छा पेंट लग रहा है, और यहाँ पे आपको लाइट में भी कस्टम किया गया है। आपको साइड का DRL में ब्लिंकर डाल के रखा है, और यहाँ पे अंदर में भी एक LED लाइट का DRL डाल के रखा है। सो वो टेस्टफुली मॉडिफाई किया है ये बाइक को। आपको देखो यहाँ में हल्का से टच मिल जाएगा, डिटेलिंग देखो, जो ओनर था बहुत मतलब इसको अच्छा अपना टेस्ट का अकॉर्डिंग बनाया, तो अच्छा लग रहा है। कैस्ट्रोल का यहाँ पे स्टिकर चिपका के रखा है, मोटर जीपी का, और एक रिपब्लिक एग्जॉस्ट में। सो ये बाइक आपका 150 सीसी में आता है। सो आजकल का नया जनरेशन आपका ये 155 सीसी में आता है, उस समय ये 150 सीसी में आता था। ये पुल्ली रो बाइक है, आपको यहाँ में ये सिंगल डिस्क मिल जाएगा ब्रेकिंग में, और पीछे में भी आपको डिस्क मिल जाता है, पीछे में भी आपको डिस्क मिल जाता है, तो डबल चैनल डिस्क मिल जाता है, और दोनों में ABS नहीं मिलेगा आपको। यहाँ में ऑफकोर्स उस समय ABS नहीं आया गया था, और इसमें आपको 12 RPM मीटर में देखो डिजिटल प्लस एनालॉग का सेटअप है, तो अच्छा दिखता है ये देखने में। और ये बाइक शायद कितना किलोमीटर चल गया देखो, यहाँ पे आपको ज़रा बाइक के हिसाब से तो ज़रा रनिंग नहीं हुआ, 50 किलोमीटर रनिंग हुआ है। सो अच्छा है, हमको तो ये बाइक बहुत पसंद था उस समय जब हम लोग छोटा था, तब ये बाइक को देख के। ये बाइक और एक तो कावासाकी बोलते हैं हीरो होंडा का आता था JDMR, वो दोनों ही बाइक था उस समय हीट वाला, और उसके बाद ये पल्सर 220 द लेजेंड, तो ये तीनों ही बाइक था हम लोग के टाइम में। वो तीनों बाइक को देख के एकदम मज़ा लगता था भाई। CVR भी था, CVR 150 और 250 आया था उस समय, तो ये सब अपने एरा में बेस्ट बाइक माना जाता था। और इसमें आपको स्लीपर क्लच भी नहीं मिलेगा, और सीटिंग पोजीशन भी आपको बहुत इतना एग्रेसिव नहीं मिलेगा आज का ज़माना का बाइक के हिसाब से, और सीट हाइट भी बहुत कम है ये बाइक का। और अभी आपको परफॉर्मेंस का भी टेस्ट दे देता है, सो देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, और एक बार आपको आगे से दिखाई देते हैं। मौसम भी बढ़िया होकर रखा है, धूप आ रहा है, साइड देखो कुछ ऐसा दिखता है। सो चलो ये सब ज़रा बात नहीं करके टेस्ट करते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट कैसा पकते हैं बाइक। सो बाइक में बैठते ही आपको फील होगा कि क्लच बहुत हार्ड है, इसमें स्लीपर क्लच नहीं आता था, पूरा रो बाइक है। चलो खींच के देखते हैं, वाह सुपर बाइक बोला एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट साउंड आपको सुनाई देता है। अरे भाई न्यूट्रल में पहले ला लेते हैं, चलो अलग साउंड करता है आज का जनरेशन R15 से। इंजन भी अलग था देखो, आप देख सकते हैं इंजन भी अलग, इंजन काउल भी एनालॉग, देखो यार क्या मस्त है। नया वाला में भी एक एनालॉग प्लस डिजिटल डेंस से मज़ा आ जाना था, R3 जैसे और R6 का जैसे। 10,500 RPM तक जाता है, तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट गियर कितना भागते है देखते हैं। ओह अच्छा पुल है यार, पूरा 10,500 RPM तक जाता है, अच्छा पुल है यार, बहुत पावर।
मैं सोच के देखो 127 भी बहुत है।